नमस्कार दोस्तों, आज हम 21 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, भारतीय मूल के न्यायमूर्ति, नाम क्या है? महमूद जमाल, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले आश्रित व्यक्ति बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक बार आप इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो ये है वर्ल्ड मैप और यहां पर है ये देश कनाडा। इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा इसकी कैपिटल है। इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? टोरंटो। करेंसी क्या है? डॉलर, कनाडियन डॉलर इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। पूछा जाता है कि इंडियन हाई कमिश्नर कौन है कनाडा में, तो ये कौन है? तो ये है अजय बिसारिया। अजय बिसारिया याद रखिएगा, ये कौन है? इंडियन हाई कमिश्नर है कहां पर? कनाडा में। और इसके आसपास के देश देख लीजिए, ये यूएस है, मतलब यहां पे अमेरिका है, नीचे ये मैक्सिको है। तो ये तो बात करी हमने कनाडा की, जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश के दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गिनी। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है, मतलब ये जो घोषणा की गई है, ये की गई थी कब? 14 फरवरी 2021 को। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एक तो WHO, एक तो इसके बारे में हमको कवर करना है, और दूसरा क्या है, ये जो देश है गिनी। तो पहले बात कर लेते हैं हम WHO के बारे में। WHO इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या? ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ये भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेगा। बाकी इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? तो मुख्यालय है इसका जनेवा में। और ये जो जनेवा है ये कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। पूछा जाता है इसके डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, या फिर आप ये कह सकते हैं हेड, तो ये कौन है? ये है टेड्रोस एधनोम। यहाँ पर लिख देता हूँ TEDROS, टेड्रोस और एधनोम, ये इसके डीजी हैं। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेगा WHO से संबंधित। अब है गिनी, गिनी की लोकेशन देखिए, ये है गिनी की लोकेशन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल ये रही कोनाक्री, कोनाक्री इसकी राजधानी है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। गिनीन फ्रैंक ये इसकी करेंसी है। और अल्फा कोंडे ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में इब्राहिम रईसी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो आंसर क्या होगा? ईरान। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, ईरान इसका सही आंसर है। अब ईरान की लोकेशन देखिए, ये रही ईरान की लोकेशन, ये देखें यहाँ पे कैपिटल क्या है इसकी? तेहरान। और करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। देखो यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये देख रहे हैं ऊपर ये है कैस्पियन सी, और नीचे ये है यहाँ पे पर्शियन गल्फ। पूछा जाता है कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है ईरान। उसी प्रकार से ये तो पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। इनके बीच में ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ होर्मुज। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है रेड सी, ये सारा एरिया यहाँ पे, और इधर है ये गल्फ ऑफ एडन। इनके बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेव स्टेट। उसी प्रकार से क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है रेड सी, और इधर है ये पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? तो ये आता है सऊदी अरेबिया। तो ये सभी जो लोकेशन है ना, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। भारत किस देश के नए संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस्टवानी। ये जो इस्वाटिनी है ना, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका पहला नाम था स्वाजीलैंड, ये आप याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। और इसमें कितनी मदद की जाएगी? तो इसमें तकरीबन 108.28 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखो लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है, एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे 100 रुपए देने हैं,
ठीक है, 100 रुपये टोटल देने हैं। अब जैसे ये जो देश है यहाँ पे इवाश्टिनी, इस्वाटिनी, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप याद रखेगा, इसको 100 में से जैसे 20 रुपये की जरूरत है या फिर 30 रुपये की जरूरत है तो वो ले लेगा अपने हिसाब से। फिर आगे चलकर फिर जितने पैसे की जरूरत है वो एक साथ ले लेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपये सीधे दे दिए, जितनी जरूरत है वो साथ साथ लेता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, इस्वाटिनी। अब इसकी आप लोकेशन देखिए कहां पर है, देखो ये है साउथ अफ्रीका और यहां पर है ये देश, ये देख रहे हैं आप इस्वाटिनी। इसकी दो कैपिटल है, एक तो है मबाबने, मबाबने क्या है ये देखिए यहाँ पे, इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, दूसरी है लोबाम्बा, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है, लीला लैंगनी, लीला लैंगनी ये इसकी क्या है, करेंसी है। ये इसके आसपास के देश हैं, ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आप ये मोजाम्बिक है। और देखो इसका पूरा नाम क्या था, मतलब पुराना नाम वो था स्वाजीलैंड, ये भी आप याद रखेगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्वाजीलैंड किस देश का पुराना नाम था, तो ये था इवास्टिनी का। अब बढ़ते हैं हम आगे, केवियन ओ ब्रायन किस खेल से संबंधित हैं बताइए। तो देखो ये ना आयरलैंड के क्रिकेटर हैं, अब इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये वन डे से मतलब रिटायर हो जाएंगे, तो इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, और ये किस देश के हैं, ये आयरलैंड के हैं, ये भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे, द नट मैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, ये इस बुक का नाम है, इसके लेखक कौन है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, द नट मेक्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अमिताभ घोष, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अमिताभ घोष, और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जा चुका है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे रस्किन बॉन्ड, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये इनकी बुक का नाम है। अमर्त्य सेन, इन्होंने एक बुक लिखी थी अभी हाल ही में, उस बुक का नाम क्या था, होम इन द वर्ल्ड, क्या था, होम इन द वर्ल्ड। मार्था कोम, ये कौन है, ये केनिया में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, क्या बनी थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनी थी, कहां पर, केनिया में, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा, मार्था कोम। सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अमिताभ घोष। बढ़ते हैं आगे, विश्व रेफ्यूजी मतलब विश्व शरणार्थी दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये हर साल कब मनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हर साल कब मनाया जाता है, ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो इसे फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था ना, ये मनाया गया था 20 जून 2001 में, 20 जून 2001 में इसे फर्स्ट टाइम मनाया गया था। इसकी थीम आप याद रखेगा, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है, थीम है इसकी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइल, फिर से लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। देखो इन राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही, लेकिन आप ध्यान दीजिए, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ये इसकी 2021 की थीम है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 18 जून को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे यानी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये मनाया जाता है, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है, 14 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है, और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इसकी थीम क्या है 2021 की, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और इसे फर्स्ट टाइम 20 जून 2001 में मनाया गया था, इसे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे डेज की है, तो यह रहे अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज, ये मार्च के हैं, ये फरवरी के हैं, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, टुमोरोलैंड समारोह को किस देश ने रद्द कर दिया है। देखो ये जो फेस्टिवल है ना, ये आप ये कह सकते हैं, ये फेस्टिवल एक तरीके से इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड के अंदर जो बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक और डांस म्यूजिक फेस्टिवल हैं उनमें से ये एक है। फिर से बोलता हूँ, ये वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और डांस म्यूजिक फेस्टिवल है ना उनमें से एक है, और अब कोविड-19 के चलते इसको बेल्जियम की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बेल्जियम। बस इसमें इतना ही पूछा जाएगा, इसका संबंध किस देश से है, तो बेल्जियम से है, जिसने इसको 2021 में रद्द कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो केसेस बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया है। बेल्जियम की लोकेशन देखिए, ये है बेल्जियम की लोकेशन, ये कहाँ पर है, ये यूरोप में है, ये इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स इसकी कैपिटल है, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है, करेंसी क्या है, करेंसी है यूरो।
देखो जो देश न्यूज़ में होते हैं उनकी करेंसी और कैपिटल, ये दोनों आपको याद होना बहुत जरूरी है। मानस नेशनल पार्क खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है? देखो ये नेशनल पार्क इसलिए न्यूज़ में था, यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है, उसी को चलते ये नेशनल पार्क न्यूज़ में आया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये किस राज्य में है, ये एग्जाम में बनेगा, तो ये आसाम में है। 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने एक बार आसाम का जो थोड़ा सा करंट अफेयर है ये कवर कर लीजिए। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्यौहार ये असम में मनाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो गोवा क्रांति दिवस ये 18 जून को मनाया जाता है। ये डेटा आप याद रखेगा कि ये 18 जून को मनाया जाता है, गोवा रिवॉल्यूशन डे। अब एक बार आप गोवा की लोकेशन देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनेगा। ये लोकेशन है और ये इसकी बेसिक डिटेल है। बेसिक डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोवा की क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पणजी इसकी कैपिटल है जो मंडोवी रिवर के किनारे पे है। 30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। आप एक फैक्ट याद रखिएगा, महाराष्ट्र गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र गोवा और दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र और कर्नाटका दो राज्यों के साथ सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, मोलम नेशनल पार्क, कोटिगांव वाइल्ड सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड सेंचुरी, आंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। रायतोलम लेक और बोंडा लेक ये दोनों गोवा में हैं। सलूली डैम ये भी गोवा में स्थित है। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अभी कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 135वीं रैंक थी। किस राज्य के कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है? केरला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सीएम राइज योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। किसने घोषणा की है कि वह विम्बलडन और टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, तो राफेल नडाल सही आंसर है। सरकार ने कब तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है, तो 2024 सही आंसर है। केनेथ डेविड बुचिजिया कोंडा का जून 2021 में निधन हो गया, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो जाम्बिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? प्रबंधन विकास संगठन IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता, देखो नाम थोड़ा हिंदी में डिफिकल्ट है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। IMD के अनुसार जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है इसमें भारत की क्या रैंक है, इसलिए यहाँ पे देखो इंग्लिश हिंदी में ये लिखा गया है प्रतिस्पर्धात्मकता। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में हेबल नागवाड़ा घाटी परियोजना चर्चा में है, यह परियोजना किस राज्य में है? कौन सा देश जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यह खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।